बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी ने कलाब को वीडियो बनाकर दी और उस वीडियो के अंदर हमने दुआ जहरा के वालिद का इंटरव्यू किया। आपने देखा वो इंटरव्यू। अब उस इंटरव्यू के अंदर उसके वालिद ने जो बात की, उन्होंने तो बड़ी कमाल गुफ्तगू कर दी। एक तो वो जामे शरी वाली प्रमोशन और ये वो, उसकी तो परखच्चे उन्होंने उड़ाए, बताया कौन सी ताकतें इसके पीछे और क्या कुछ था। लेकिन साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जो जहीर है ये असल में माली है, और उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने बताया। अब जो इंटरव्यू करने वाली खातून गई, उनको कहा उस बंदे ने कि मैं हफीज सेंटर काम करता हूं और मैं 80,000 रुपए तक कमाता हूं। अब हकीकत टीवी ने जो भांडा फोड़ा है आपको लाइव दिखाते हैं। हम आपको इस वक्त लेकर जा रहे हैं लाहौर के बड़े फेमस हफीज सेंटर। ये असल में एक सेंटर है जहां पर ज्यादातर मोबाइल्स का काम होता है। अपर फ्लोर पर जाए तो आपको लैपटॉप, कंप्यूटर्स, यानी हर तरह की जो एक्सेसरीज हैं जो आपको कहीं से नहीं मिलती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको हफीज सेंटर से मिलती है। और ये वही हफीज सेंटर है जो हालिया जल चुका था शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इस हफीज सेंटर के अंदर ताजिर क्या कहते हैं मोबाइल वाले, इस शख्स ने क्लेम किया था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि सारा हफीज सेंटर मुझे जानता है, मैं वहां काम कर रहा हूं, मैं 80,000 रुपया कमा रहा हूं। पहले ये कहता मैं स्टूडेंट हूं, मैं कुछ नहीं करता। फिर इसने कोर्ट के अंदर कहा, बताया गया इसका प्रोफेशन कि जी माली है। अब आपको हकीकत टीवी लेकर जा रहा है आपको हफीज सेंटर के ताजरों से मुलाकात करवाने। जरा देखिए, वो उसको जब तस्वीरें दिखाई तो वो कहते हैं हम तो इसको पहचानते ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा ये फ्रॉडिया है, कुछ लोगों ने कहा झूठा है, उन्होंने कहा कि हमने तो इसकी शक्ल ही नहीं देखी। सारे का सारा भांडा फूट गया। अब आपको समझ आएगी कि असल गेम क्या है। आप जरा वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि असल में जिन ताकतों ने ये प्लान किया था उनका भांडा कैसे फूटा है। ये जरा आप पहले वीडियो देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो दुआ जहरा वाला केस चल रहा है आजकल, कि वो अखवा का केस बन चुका है अब तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो लड़के का दावा है कि वो हफीज सेंटर में काम करता है और तकरीबन 80,000 रुपये तक कमाता है महाना। ये है कौन सा बंदा? ये इसको तो मैंने आज तक नहीं यहाँ पे देखा, हालांकि मुझे यहाँ पे इतना जो टाइम हो गया। तो ये मुझे लगता है सब कुछ झूठ ही है एक लिहाज से। तो वो जो कुछ मीडिया पे भी आ रहा है वो आई थिंक सो कि सब झूठ ही होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर तो कोई ऐसी होती बात तो यकीनन वो जो उनसे है मंजर आम पे भी आ चुका होता तक। नहीं ये ऐसा कोई मैंने आज तक उसको नहीं देखा। मुझे 3 साल यहाँ पर हो गए, मैंने उसको नहीं देखा। और इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं जितनी वो बता रहा है। जाता तो नहीं हूँ भाई, 80,000 कमा रहा तो हम दुकान लेके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि लाख रुपये किराया दे रहे हैं, 80,000 होगी तो बात नहीं, वो 80,000 दुकान के बगैर तो आ रहा है। अच्छा, रिपेयरिंग के काम से, आईफोन की रिपेयरिंग के काम से 80,000 तक बन जाते हैं फिर बंदा? अकेला बंदा तो नहीं, मसलन के अगर 5-6 लड़के हों आपस में तो बन जाता है काफ़ी, मसलन के अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अच्छा, तो मतलब वो क्या झूठ बोल रहा है? हाँ जी, झूठ बोल रहा है। मैंने तो कभी नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम तो मैं आपके सामने देख रहा हूँ पिक्चर इसके। मैं तो जानता तक नहीं, और फीस सेंटर में भी नहीं कभी देखा इसको। अच्छा, तो क्या वो माना 80,000 रुपये कमा लेता होगा अगर काम करता भी है? अगर काम करता भी है तो वो कमा सकता है, लेकिन उसको कभी देखे ही नहीं है, ना ही हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम तो नाम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम पिक्चर सुन रहे हैं उसकी, देख रहे हैं, उसका तो नामो निशान भी नहीं कभी फीस सेंटर में देखा, तो हम कैसे कह दें? आईफोन की सेल परचेज का काम करता है? नहीं बॉस, मेरी नज़र तो ये बंदा नहीं गुजरता, पर यहाँ है भी नहीं, वैसे इधर काम नहीं करता, कभी देखा नहीं है इसको हमने यहाँ पे, और ना ये इधर होता है। ये वो लड़का है, आप तस्वीर देखने के बाद कह रहा है कि अगर ये फी सेंटर में होता तो हम तो फी सेंटर में हम होते हैं, हमें सारे बंदों का पता है यहाँ कौन कौन काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा वैसा कोई नहीं है, और ये वैसे भी बड़ा मशहूर हो चुका है लड़का, अगर ये हो इधर तो हम इसको जानते हों, लेकिन यहाँ पे ऐसा वैसा कोई सीन नहीं। तो अगर होगा तो हमें ज़रूर, हमें ये बताता ज़रूर, या मिलता ही या बड़ी, क्योंकि बड़ी मार्केट है यहाँ पे, हर एक बंदा एक दूसरे को जानता है, इसीलिए हम इसको नहीं जानते ना इधर होता। नहीं बोल, वो झूठ बोलता है, यहाँ पे वो काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम सबको जानते हैं। आपने वीडियो देखी, अब आप बताइए कि ये वो ताजिर है या ये वहाँ पर जो काम करने वाले, स्टॉल लगाने वाले, जो मोबाइल का काम करने वाले, ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से काम करें। और एक शख्स की तो आपने गुफ्तगू सुनी, उसने तो यहाँ तक के कहा कि भाई 80,000 रुपया तो मैं नहीं कमा रहा, ये कैसे कमा सकता है,
यानी ये कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है कि 80,000 रुपया वहां पर कमा रहा है और कहता है मैं काम करूं, कोई इसको जानता नहीं। शक्लें दिखाई, आप सब ने देखा कि वहां पर गए, मोबाइलों से उसकी तस्वीर निकाल कर दिखाई, वो कहते हैं हम तो जानते नहीं, पूरा पाकिस्तान इसका केस जानता है। अब ये जो सूरत हाल है आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए असल में ये खेल है, उलझता ही जा रहा है, उलझता ही जा रहा है, उलझता ही जा रहा है। आप ये देखिए कि पहले दुआ जहरा को इंटरव्यू के दौरान गद्दी पर बिठाया जाता है ताकि वो बड़ी लगे, और उसका जूड़ा किया जाता है। जब आप किसी का जूड़ा करते हैं तो वो वैसे उसकी एज बड़ी लगती है। अब सारी चीजें छोड़िए, जरा आपकी स्क्रीन पर ये देखिए उसका पासपोर्ट, यानी उसका पासपोर्ट अगर नादरन, इसका मतलब जाली बनाया है, इसका मतलब उसका कोरोना सर्टिफिकेट जाली है, उसका मतलब है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट जाली है या बेफॉर्म जाली है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके जाली हैं। आप बताइए, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, आपने ट्रेवल करना, कोई टैक्सी वाला आपको लेकर जाएगा, आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा, आप बताएं आप जहाज पर ट्रेवल कर सकते हैं? आप पूरे मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो ये हो क्या रहा है? दुआ जहरा और जहीर, आप बताइए इनका बैकग्राउंड क्या है? कोई जहीर को जानता है? कोई इसका कोई दोस्त है? एफएससी कर रहा है, उसने कहा मैं करूं। कितने दोस्त यार हैं इसके अभी तक मीडिया पर आए हैं? या वो लोग बता दें जो हफीज सेंटर में इसके साथ काम करते हैं। हफीज सेंटर की तो हमने आपको वीडियो दिखाई, तो वहां पर तो लोग कह रहे हैं हम इसको जानते ही नहीं, हमारा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। जब लोग इनको जानते नहीं है, उनका लेना देना नहीं है, और वो उसकी शक्ल देकर देखे, वैसे लोग इसे नफरत कर रहे हैं। नफरत वो इसलिए कर रहे हैं कि ये उनके मार्केट के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। एक शख्स ये क्लेम करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद कोई इसको जानता नहीं। अब आप बताइए इस सूरत हाल के अंदर, देखिए जो मोबाइल बेचने वाला होता है, ये रिपेयर करने वाला होता है, उनके दुकानदारों से जो 80,000 रुपया कमा रहा है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। उसका फोन पर भी काम चलता है कि मैं फोन लेकर आ रहा हूँ, ठीक करवाना है। अब ये जनाब कह रहे हैं मैं 80,000 रुपया कमा रहा हूँ, पहले उसको याद नहीं आया, बल्कि प्लांटेड एक क्वेश्चन। वो लड़की कहती है आप बताइएगा जरा आप क्या कर रहे हैं, उसके मुंह में अल्फाज डाले जा रहे हैं, और वो कह रहा है कि जी मैं 80,000 रुपया कमा रहा हूँ। यानी कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए कि दुआ जहरा के फादर ने ये बात की है कि वो माली है, तो इस सूरत हाल में जिन ताकतों ने ये सारा प्लान बनाया है, ये तमाशे सारे हो रहे हैं। यानी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, आपने उसको कहा फलाना ये वो कर दो, आप ये इंटरव्यू किसी आम बंदे के साथ करवा कर देखिए। छोड़े प्लांटेड को, बाकी सारे चैनल्स भी हैं, हकीकत टीवी से लेकर सारे तैयार हैं, अब इनका इंटरव्यू करवाएं, किसी और को इंटरव्यू नहीं दे रहे। तो ये जो असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, वो इनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। लेकिन एक चीज इस्टेब्लिश हो चुकी है, जो बार बार दुआ जहरा के वालिद कह रहे हैं, ये वही इंटरनेशनल ताकतों का केस इस वक्त बनता जा रहा है, जो आज से पहले आपने नहीं देखा था, यानी जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद फंस गए हैं, जिसमें और लोग फंस गए हैं। यानी आप सोच लें कि आपने आज के बाद कह दिया है कि आप अगर नादरा के और ये पासपोर्ट ऑफिस, ये तमाम चीजें आप एक्सेप्ट नहीं करें, तो इसका मतलब है कि आपने इंटरनेशनल सतह पर, कोई यूएई जाता है, कोई यूएस जाता है, कोई कैनेडा जाता है, कल को अपने पासपोर्ट लेकर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपने दुनिया को ये बात कही है कि देखें ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये बिल्कुल भी तस्लीम शुदा नहीं है। आपने उसे कहा कि उसकी हड्डियों की उम्र 17 साल है, वो कहती है 18 साल है, तो आप बताएं कैसे पता चलेगा किसकी एज की उम्र कैसी है? आपको ये पता चलेगा कि आप उसका आईडी कार्ड देखेंगे, आईडी कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि उसकी एज 14 साल है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, कोई सुराग कुछ नहीं बताया जा रहा। यानी ये एंकर्स कह रहे हैं जी हमारे साथ रابطے में थे, यानी इंटेलिजेंस इदारे उनको ढूंढ रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है दो दो सूबों की, और पता ही नहीं चले जनाब कहाँ पर है। ये खेल आपको जितना सादा नजर आता है, जो डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ हशर हुआ था, ये तमाम चीजें अब उसी तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी की जो सूरत हाल है, आपका पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त तबाह हो चुका है। अगर आप अपना मुल्क तबाह करते हैं, तो बताइए आपके मुल्क में खैर और बरकत कहां से आएगी? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।